जब कोई इश्क में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। अरे वाह, शिर्क में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। उसने मुड़कर फिर देखा है, पिछला कर्ज उतारा होगा। ये तो घर की बात है, उसने दिल को जान से मारा होगा। तेरी आंख समंदर होगी, मेरा जर्फ किनारा होगा। मैंने इश्क किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय सुब्रत दुबे। तो आ गए भाई परमंड बाबा के दर्शन करने के लिए आज, क्योंकि भाई चैनल मोनेटाइज हुआ है ना अपना, तो भाई दर्शन तो देने पड़ेंगे, मतलब दर्शन तो करने पड़ेंगे भगवान जी के। तो भाई पहले यहाँ से मेन गेट से दर्शन करो, और हमारे हमारे साथ हैं शिवम भैया और उनके दोस्त जय बाबा जी। चलो, अरे भैया जो भाई गाड़ी से आया है तो मुझे पता है भैया गाड़ी है ना यार, अपनी थोड़ी ना आए, भैया के साथ आए, भैया को भी परमट जाना था, हमें भी आना था, तो भाई हम आ गए आज, तो बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और आज भाई मंडे भी है, तो भैया आप तो पहली बार आए होंगे। नहीं यार, आते ही रहता हूं, तो आज बाबा के दर्शनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भाई भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज सोमवार है ना, आज बाबा का दिन है। वैसे बाबा के दिन तो सारे ही हैं, इंसानों ने दे दिया कि भाई एक दिन बाबा का है। तो भाई अब देख रहे हो भाई गंगा जी कहाँ तक आ गई, बिल्कुल इन सीढ़ियों तक। अब बस भाई भगवान जी के दर्शन ही करना बाकी हैं गंगा जी को, और तो भाई पूरी पूरी सीढ़ियों तक आ गई। पहले कहाँ रहती थी वहाँ पे भैया जा रहे हैं, हम भी चले। देखो भाई बिल्कुल यहाँ तक आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई हम लोग पहुंच चुके परमंड बाबा मंदिर, क्योंकि भाई चैनल मोनेटाइज हुआ था तो भाई दर्शन तो करने पड़ेंगे बाबा के, और भैया लोग जा ही रहे थे तो हमने भाई चलो रात में चल लेते हैं, और आज मंडे भी है। ये भाई मेन गेट, यहाँ से भाई बाबा जी का स्थल शुरू होता है, और हमारे साथ हैं भाई शिवम भैया और उनके दोस्त, उनका नाम है भाई सलील सेंगर उर्फ बेटू भैया। तो भाई वो भाई कानपुर आए थे, उनका भाई कोई काम था तो वो अपनी कार वगैरह से आए थे, तो उनके साथ ही हम लोग घूमे फिरे, बहुत मज़े किए। और जैसे ही हम लोग भाई परमंड बाबा के दरबार में आए, हम लोग को पट बंद मिले, क्योंकि उसमें भाई उनका मतलब श्रृंगार वगैरह हो रहा था रात में, और सुबह भाई दर्शन होते हैं सोमवार को, तो भाई अच्छे से कराए जाते हैं दर्शन। तो भाई हम लोगों ने बाहर से एक छोटी सी खिड़की लगी होती है गेट में, वहाँ से दर्शन कर लिए, वो लोग देखो कर रहे हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने दर्शन किए, और फिर LED में तो भाई चल ही रहे हैं बाबा के दर्शन। हर हर महादेव भाई कमेंट में जरूर लिख देना, और जिसने भी भाई अभी तक परमंड बाबा दर्शन नहीं किए हैं सच में, तो भाई वो लोग करें आके, और सच्चे भाई परमंड बाबा। और यहीं से भाई कुछ दूरी पर खिरेश्वर बाबा भी हैं, जिसमें परमंड बाबा भाई इधर रावतपुर में पड़ जाते हैं, खिरेश्वर बाबा आप चौबेपुर क्रॉस करोगे वहीं पर पड़ेंगे। खिरेश्वर बाबा तो भाई हमारे गाँव से बहुत लोग गए, बहुत लोग आए भाई, परमंड बाबा हमने कभी नहीं सुना कि कोई आया है गया है, तो भाई उनसे बोलना चाहता हूँ भाई वो लोग आएँ दर्शन करें, बहुत सच्चे बाबा हैं। खिरेश्वर बाबा आप लोग आते तो भाई परमंड बाबा भी आ जाओ, कितना दूर है 15 किलोमीटर। तो भाई जय हनुमान जी, यहाँ पे मतलब आगे चलते जाओगे यहाँ पे भाई समस्त देवी देवताएँ आपको मिलेंगी, आगे गैलरी है उसमें भाई उनके छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत अच्छा है भाई परमंड बाबा, आप लोग आओ एक बार दर्शन जरूर करो एक बार, ठीक है लाइफ में आना है ना एक बार। यहाँ पे आपको भाई दो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, एक तो बंदर मिलेंगे, उसके बाद भाई बकरी मिलेंगी। बकरी क्यों, मतलब कुछ लोग भाई यहाँ पे जो उधर काम धंधा करते हैं ना जिनकी दुकान, वो लोग पाले हुए बंदर, तो ऐसे ही आ जाते हैं, बंदर बहुत मिलेंगे, जिससे भाई शिवम भैया ने बहुत मज़े लिए। देखो देखो अभी भाई देखो कैसे करें, मतलब बकरी बंदर तो मिलते मिलते, देखो बंदर कैसे कर रहा। और मैं तो भाई गंगा जी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इतनी मतलब मैंने कभी देखी नहीं भाई इतनी, यहाँ तक गंगा जी आ जाएंगी यहाँ पे, मैंने बहुत दूर देखी, कम से कम जहाँ पे सीढ़ियाँ उससे 100 मीटर दूर वहीं पे भाई देखने जाती गंगा जी, और आज यहाँ पे मिल गई पहली बार। तो भाई एक बार फिर से परमंड बाबा दर्शन कर लो, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं दर्शन करके, बोलो हर हर महादेव।
क्या करे भैया, पहले शिवम भैया गले में डाल के दिखाओ। नहीं। तो भाई दर्शन हो गए अच्छे से, मतलब बाहर से अच्छे से हो गए, क्योंकि पट बंद थे तो भैया कैसे जाएंगे। लेकिन मान्यता तो वही है भाई, बाहर से भी दर्शन कर लो, अंदर से दर्शन कर लो, बात बराबर है भाई। दिल में भगवान है, दिल से मानो। क्यों भैया? ठीक बात है, बाबा ने बुलाया था तो हम लोग चले आए, बिना उनकी आज्ञा के कोई पता नहीं उनके घर में आता भी नहीं है। भैया इस भैया के एक्टिंग के रुपए काट रहे हैं। तो हम लोग भाई घर आ चुके हैं घूम घाम के, दर्शन करके। और भैया की ये गाड़ी है भाई, डस्टर। और भैया को भाई नेतागिरी में ज़्यादा रुचि है, और एक भाई अच्छे युवा नेता हैं अपने जनपद में। भारत माता की जय।